देखिए ट्रांस क्वांटम थ्योरी में क्या बताया गया पिछले वीडियो में, जो मैंने बताया कि लाइट कंटिन्यूअस वेव के फॉर्म में ना आकर छोटे छोटे एनर्जी बंडल्स के फॉर्म में आती है। इन एनर्जी बंडल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटा। यदि ये एनर्जी बंडल सनलाइट के तो इसको बोलते हैं फोटॉन। ठीक, फिर ये बताई गई बात कि ये जो एक क्वांटा है उस एक क्वांटा की जो एनर्जी है उसको ई से डिनोट करते हैं और ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो आ रही है लाइट उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या है, एक क्वांटा की एनर्जी। जो एक क्वांटा की एनर्जी है वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट लगाते हैं एच। ये जो एच है ये एच कहलाता है प्लांक्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड। एच प्लांक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू इतनी होती है 6.626 × 10⁻³ जूल सेकंड। ये हो गया। अच्छा, अब न्यू की जगह और क्या लिख सकते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता था ऐसे करके। तो एक एनर्जी का फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया, इसमें बताया। फिर ये बात बताई गई कि जो लाइट होती है, लाइट के किसी भी सोर्स से जो लाइट एमिट, जो क्वांटा एमिट होते हैं वो होल नंबर रेशियो में एमिट होते हैं। मतलब एक क्वांटा, दो क्वांटा, तीन क्वांटा, ऐसे 3.5, 4.5 ऐसा क्वांटा एमिट नहीं होगा। तो लाइट जो रहती है उससे किसी भी लाइट के सोर्स से जो लाइट एमिट होती है वो क्वांटा के होल नंबर रेशियो में एमिट होती है। उससे एक क्वांटा, दो क्वांटा, तीन क्वांटा, 1000 क्वांटा, 10000 क्वांटा ऐसे निकलेंगे। फ्रैक्शन में क्वांटा एमिट नहीं होते। ये प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में बताया गया। क्या क्या बातें बोली गई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर सुनिए। लाइट कंटिन्यूअस वेव के फॉर्म में ना आकर छोटे छोटे एनर्जी बंडल्स के फॉर्म में आएगा। ये जो एनर्जी बंडल्स है ये क्वांटा कहलाते हैं। लाइट कंटिन्यूअस वेव के फॉर्म में ना आकर छोटे छोटे एनर्जी बंडल्स के फॉर्म में आएंगे। इन एनर्जी बंडल को क्वांटा बोलेंगे। यदि ये एनर्जी बंडल सनलाइट के तो इसको फोटॉन बोलेंगे। और एक क्वांटा की जो एनर्जी रहती है वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन रहता है, हम लोग कॉन्स्टेंट लगाए एच। एच का मतलब है प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 6.626 × 10⁻³ जूल सेकंड। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी की जगह हम लोग सी बाई न्यू लिख दिए, सी बाई लैम्डा लिख दिए, तो ई की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये जो ई आ गया ये एक क्वांटा की एनर्जी थी। अगर फ्रीक्वेंसी मालूम है तो क्वांटा, एक क्वांटा की एनर्जी इससे निकाल सकते हैं। वेव लेंथ मालूम होगा तो इससे निकाल सकते हैं। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो पिछले उसमें वीडियो में पढ़े थे। अब इतनी बात हो गई प्लांक्स क्वांटम थ्योरी की। अब इसको आप एम्पलीट्यूड में अप्लाई कीजिए, अब आपको कुछ बात समझ में आएगी, ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। अब समझिए, देखिए ये एम्पलीट्यूड इसका ज्यादा है और इसका एम्पलीट्यूड कम है। एम्पलीट्यूड कम और ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है, एक छोटी सी चीज मैं आपको, छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूं। मेरा वीडियो जो देख रहा है वो एक पर्सन मान लो और एक मैं मान लेता हूँ। ठीक, मान लीजिए जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसके घर में 10 लोग हैं और मेरे घर में अभी यहाँ पर 3 लोग हैं। ठीक है, एक दुकान है हमारे मोहल्ले में, हम लोग दोनों जिनसे मैं बात कर रहा हूँ वो दोनों क्या है, या दो दोस्त ले लेते हैं, दो दोस्त हैं, उनके मोहल्ले में एक दुकान है, उस दुकान में लकड़ी मिलती है जलाने के लिए। बहुत पुरानी बात है, उस समय गैस चूल्हा वो सब नहीं आया था, मान लीजिए की बात। उस दुकान में मिलने वाली लकड़ी की क्या खासियत है कि एक लकड़ी से एक व्यक्ति का खाना बनता है। एक लकड़ी से एक व्यक्ति का खाना बनता है। ठीक, अब ए और बी दो फ्रेंड हैं, इसके यहां मान लीजिए 3 लोग हैं और इसके यहां 10 लोग हैं। ठीक है, अब इसको मालूम है कि इसके यहां 3 लोग हैं तो तीन ही लोग के लिए खाना बनाना है, तो हर दिन कितना लकड़ी डालना है, उसको तीन ही लकड़ी डालना है। तो उसके पास चूल्हा छोटा है क्योंकि उसको रोज तीन ही लकड़ी डालना है, तो 3 लकड़ी के लायक चूल्हा बनाया। ये जो है बड़ा है, इसके बड़े लोग हैं, बड़े घर है इसमें, इसमें बड़े लोग हैं, 10 लोगों को खाना, तो इसको मालूम है रोज मेरे को 10 लकड़ी का टुकड़ा डालना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो उसको मालूम है रोज मेरे को 10 लकड़ी का टुकड़ा डालना है, तो उसको बड़ा चूल्हा चाहिए, इसको छोटा चूल्हा चाहिए। ठीक, अब काम की बात क्या है वो समझिए। इसका 10 लोगों का खाना बनाना है तो 10 लकड़ी का टुकड़ा डालना है, तो इसको बड़ा चूल्हा चाहिए, इसको छोटा चूल्हा चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, एक लकड़ी के जो दुकान है उस दुकान से ए और बी दोनों दोस्त हैं, उनके मोहल्ले में जो दुकान है लकड़ी की, उस दुकान में जो लकड़ी मिलती है उसकी खासियत है कि एक लकड़ी के टुकड़े से एक व्यक्ति का खाना बनता है। और इसको 3 लोगों का खाना बनाने के लिए 3 लकड़ी डालना पड़ता है रोज,
और इसको 10 लोगों को खाना बनाने के लिए 10 लकड़ी का टुकड़ा डालना पड़ता है। तो इसको छोटा चूल्हा चाहिए, इसको बड़ा चूल्हा चाहिए, वही तो है। ये जो एम्पलीट्यूड है चूल्हा है, और ये जो लकड़ी का टुकड़ा बोल रहा हूँ क्या है मालूम है, क्या लग रहा है, ये है क्वांटा। तो होता यह है कि यदि किसी लाइट का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, मतलब चूल्हा बड़ा है, तो इसमें ज्यादा क्वांटा आएंगे, ज्यादा क्वांटा आएंगे, और इसमें एम्पलीट्यूड कम है इसमें कम क्वांटा आएंगे। आप मेरे बताइए ए और बी दोनों में से किसमें, किसके चूल्हे में ज्यादा गर्मी बनेगी जलने के बाद, किसमें ज्यादा रोशनी होगी, ऑब्वियसली इसमें होगी। मतलब जिस चूल्हे में ज्यादा लकड़ी के टुकड़े डालेंगे उसी में ज्यादा गर्मी भी रहेगी और उसी में ज्यादा रोशनी भी होगी। ठीक उसी तरीके से ये हो गया ए, या इसको अपन बी मान लेते हैं क्योंकि अपने एग्जाम्पल में बी का चूल्हा बड़ा है, इसको ए मान लेते हैं। तो ए और बी में से चूंकि बी का एम्पलीट्यूड ज्यादा है इसलिए इसमें नंबर ऑफ क्वांटा देखिए ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए इसमें गर्मी ज्यादा रहेगी, ब्राइटनेस ज्यादा रहेगी। ठीक है, जैसे सूरज की रोशनी दोपहर को 12 बजे उसमें गर्मी ज्यादा है तो बोलते हैं लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है। इसका मतलब है कि उस समय उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, एम्पलीट्यूड ज्यादा होने से उसमें नंबर ऑफ क्वांटा ज्यादा आएंगे, नंबर ऑफ क्वांटा ज्यादा रहेंगे तो गर्मी ज्यादा रहेगी, रोशनी ज्यादा रहेगी, ब्राइटनेस ज्यादा रहेगी। ये मतलब हुआ कुल मिला के, मतलब काम की बात क्या हुई कि यदि एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है तो नंबर ऑफ क्वांटा पर साइकिल बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ क्वांटा ज्यादा रहने से डिग्री ऑफ हॉटनेस बढ़ जाएगी, डिग्री ऑफ हॉटनेस बढ़ जाएगी तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता रहा था। तो मैं आपको बता क्या दिया, अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा तो नंबर ऑफ क्वांटा ज्यादा रहेगा, नंबर ऑफ क्वांटा ज्यादा रहेगा तो डिग्री ऑफ हॉटनेस ज्यादा रहेगी, डिग्री ऑफ हॉटनेस ज्यादा रहेगी तो लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी। तो कुल मिला के बताना की चीज यही थी कि नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड क्या बता रहा है, यहाँ एम्पलीट्यूड बी और ए में इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ क्वांटा ज्यादा रहेंगे, नंबर ऑफ क्वांटा इसमें ज्यादा रहेंगे तो जिस चूल्हे में ज्यादा लकड़ी डालेगा उसी में ज्यादा गर्मी बनेगी, उसमें ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। बोलो हाँ, ठीक है। तो कुल मिला के बात यह हुई कि जिस लाइट का एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा उसमें नंबर ऑफ क्वांटा ज्यादा रहेंगे तो उसमें गर्मी ज्यादा रहेगी और लाइट की इंटेंसिटी उसमें क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये जो हो गया एम्पलीट्यूड से रिलेटेड जानकारी हो गई जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इन चीजों को आपको ध्यान रखना और इसी के बेस में हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे, और इसमें आगे जो हमको पढ़ना है वो इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखेंगे। इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेक्ट्रम और बाकी चीजें, हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और स्पेक्ट्रम ये सब चीजें पढ़ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मंडे की क्लास में पढ़ेंगे। कल की क्लास में कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो पिछले चैप्टर के कुछ क्वेश्चन है जो केवल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के काम के हैं वो कल संडे की क्लास में हम लोग देखेंगे, बाकी वीडियोज मंडे से।